आज स्टार्ट करते हैं एपी। ये क्लास 10 का चैप्टर फाइव है, क्लास 10 चैप्टर फाइव एपी। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो आज वहीं से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी एपी क्या होता है, जब हम एपी की बात करते हैं, एपी टर्म यूज़ करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि एपी होता क्या है। तो एपी जो वर्ड है उसका मतलब होता है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर जो टर्म्स हैं वो एक सीक्वेंस में बढ़ती हैं। क्या मतलब होता है सीक्वेंस में बढ़ने का, वो मैं आपको समझाता हूँ। सीक्वेंस में बढ़ने का मतलब होता है जैसे 5, 10, 15, 20 एटसेट्रा। ये एक सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सब कुछ एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। तो ऐसे जब सीक्वेंस में चीज़ें बढ़ती है तो उनको हम कहते हैं कि वो एक एपी है। और ऐसा करने पर मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से हम एपी लिखते हैं तो इस एपी के अंदर, किसी भी एपी के अंदर, हम कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। कौन कौन सी टर्म्स को डिफाइन करते हैं? सबसे पहला होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस। इसे हम कहते हैं या तो सी डी या फिर डी। एक होता है लास्ट टर्म जिसे एनथ टर्म भी कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से। और फिर होता है आपका फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, लास्ट टर्म हो गया। तो ये बेसिक चीज़ है। इन बेसिक चीज़ों के बेसिस पे अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके बेसिस पे पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एपी हूज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7। फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 7 आपको दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन सीधा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपको दे रखा है 5 और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आपको दे रखा है 7। सबसे पहला एपी का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं कि एक एपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एपी का जो सबसे पहला, सबसे सिंपल जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता है कि एपी इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला एपी की चार टर्म्स के लिए हमने यूज़ कर लिया। तो अब एपी बनाते हैं। इस क्वेश्चन में हमारी जो एपी बनेगी वो कैसे बनेगी? तो एपी इज इक्वल्स टू ए यानी कि 5 कॉमा ए प्लस डी यानी 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 और डी की वैल्यू 7, 5 प्लस 3 और डी की वैल्यू 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये एक पूरी की पूरी एपी। तो अब एपी क्या बन जाएगी? एपी इज इक्वल्स टू 5, 5 प्लस 7 12, 5 प्लस 7 टू से 14, 5 प्लस 7 थ्री से 21 एंड सो। तो आपका एपी बन गया एपी इज इक्वल्स टू 5, 12,
14 प्लस 5 19, 21 प्लस 5 26 एंड सो ऑन। तो याद रखिए ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि आपकी जो एपी है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो चल रही है कॉन्टीन्यूसली सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि अब इसमें आपको ए और डी दे रखे थे, हो सकता है आपको एपी दें और सारी टर्म्स पूछ लें। तो कहता है फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। जो एपी है उससे ये सारी चीजें फाइंड आउट कीजिए। कैसे कर सकते हैं फाइंड आउट, अब देख लेते हैं। पहले एपी देख लेते हैं। तो आपका एपी है इस केस में 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 20। अब इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। ए यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3, दिख रहा है। डी जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 यानी कि 6 माइनस a1 यानी कि 3, तो आपका d आ गया 3। और an जो आपकी लास्ट टर्म है वो है 21। आप चाहे तो n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म है 7। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो एक और क्वेश्चन है, चेक इफ इट इज एन एपी और नॉट। चेक करके और बताइए कि जो आपने लिखा वो एक एपी है या नहीं है। और क्वेश्चन आपको दे दिया 3, 7, 11, 15 एंड सो। अब आपको चेक करना है कि ये जो आपको टर्म दी है ये एपी है या नहीं है। तो हम कहते हैं सॉल्यूशन, हम कहते हैं इट विल बी एन एपी इफ ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल। अगर सारे डिफरेंसेस इक्वल है तभी ये एपी होगा। अब मैं कहता हूँ ए वन क्या है इसमें मेरा, ए टू क्या है, ए थ्री क्या है और ए फोर क्या है। मैंने चारों टर्म लिख ली। तो ए वन आ गया 3, ए टू आ गया 7, ए थ्री आ गया 11 और ए फोर आ गया 15। चेक कर लेते हैं। हमारा ए टू माइनस ए वन बराबर होना चाहिए ए थ्री माइनस ए टू बराबर होना चाहिए ए फोर माइनस ए थ्री। यानी कि सारे के सारे जो डिफरेंसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए तभी ये एक एपी होगा, अदरवाइज ये एपी नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये सारे डिफरेंसेस इक्वल हैं या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे, माइनस करके। ए टू है आपका 7 माइनस ए वन है 3 इज इक्वल्स टू ए थ्री है आपका 11 माइनस ए टू है 7, ए फोर है आपका 15 माइनस ए थ्री है 11। 7 माइनस 3 4 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7 4 और 15 माइनस 11 4। मीनिंग देयरफॉर इट इज एन एपी। यानी कि ये एक एपी है। और क्यों है, क्योंकि इसके सारे डिफरेंसेस इक्वल है। तो
इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सीधा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी वो हमसे क्या पूछते हैं, वो हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो टर्म आपको दी हुई है ये एपी है या फिर नहीं है। चेक कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के हिसाब से। वर्ड प्रॉब्लम आपने इससे पहले फोर्थ चैप्टर में भी सॉल्व करी है, थर्ड चैप्टर में भी सॉल्व करी है, तो उसी के हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर वन का ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर होगा उसने बोला फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है ₹15, जो सेकंड किलोमीटर होगा उसका फेयर होगा ₹8, जो थर्ड किलोमीटर है उसका फेयर भी है ₹8, जो फोर्थ किलोमीटर है उसका फेयर भी है ₹8। चेक कर लेते हैं इन सब के मिलने से एपी बनता है कि नहीं बनता। मैंने सिर्फ 4 किलोमीटर के लिए क्वेश्चन आपका सॉल्व करने की कोशिश की है, आप चाहो तो ज़्यादा के लिए कर सकते हो। तो सबसे पहली टर्म होगी 15, अगर वो 2 किलोमीटर जाएगा तो फिर हो जाएगा 15 + 8, 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 15 + 8 + 8, और 4 किलोमीटर में 15 + 8 + 8 + 8। इसको अगर नोट डाउन करें, इसको टोटल करें, तो आपकी जो एपी बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से, 15 + 8 = 23, 15 + 8 = 23, 23 + 8 = 31, 15 + 8 = 23, 23 + 8 = 31, 31 + 8 = 39। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो 15 23 में से माइनस करूं तब भी 8 आएगा, 23 को 31 से माइनस करूं तब भी 8 आएगा, और 31 को 39 से माइनस करूं तब भी 8 आएगा, यानी कि इस सभी सिचुएशंस में जो आपका आंसर है वो 8 है, यानी कि मैं कहूंगा देयरफॉर इट इज एन एपी, ये आपका एपी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो वो एयर वाला एक क्वेश्चन है, तो हम कहते हैं इनिशियल एयर इज इक्वल्स टू 100%। और क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इट रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, यानी कि जो रिमूव्ड एयर होगी वो कितनी होगी, 1/4, यानी कि 25%। तो लेफ्ट एयर इज इक्वल्स टू 100 - 25, यानी कि 75%। फिर अगली बार 75 का 1/4 निकलेगा, तो फिर मैं कहता हूँ एयर, तो लेफ्ट एयर हो गई 75%। मैं कहता हूँ आफ्टर फर्स्ट राउंड, तो फर्स्ट राउंड के बाद फिर 1/4 निकलेगा, तो 75 का 1/4 कितना होता है, 75 into 1/4, तो 75/4% ऑफ एयर विल बी रिमूव्ड। तो मुझे यही दिख रहा है कि एपी नहीं बनने वाली, क्योंकि पहले केस में 100% था, फिर 75% बची थी, और फिर बचेगा 75 - 75/4, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन जो है इसमें एपी नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक तरीके से पूरी वॉल्यूम का 1/4 निकाल रहे हैं। एपी के केस में ऐसा नहीं होता कि पूरी वॉल्यूम का 1/4 निकाला जाए, तो ये हम लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी, इसका मतलब ये एपी नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जिसमें आपको क्वेश्चन था राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स आपको लिख के दिखानी है। फर्स्ट पार्ट था ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 10। तो मैंने आपको एपी बताया था कैसे बनता है, एपी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। एपी का फॉर्मूला कैसा होता है, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो एपी से आपका हो जाएगा ए यानी कि 10 कॉमा ए यानी कि 10 प्लस डी यानी कि 10 प्लस ए यानी कि 10 प्लस टू डी यानी कि 10, ए यानी कि 10 प्लस थ्री डी यानी कि 10। तो आपका एपी हो जाएगा इस केस में एपी इज इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 10 20, 10 टू से 20 तो 10 प्लस 20, 10 प्लस 3 10 से 30। तो एपी हो गया 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ये मैंने पूरा फॉर्मूलों के साथ सॉल्व किया है। अगले वाले पार्ट्स का सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट, ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। आपका एपी जो होगा इस केस में वो होगा -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। तो याद रखिए सेम एक ही टर्म का एपी भी बन सकता है। थर्ड पार्ट जो आपका है वो है ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू -3। तो आपका एपी इस केस में क्या बनेगा, एपी बनेगा 4, 1, -2, -5 सो। और ये हमने कर लिए मैंने 3 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 5th बाय योर सेल्फ, ये आप कीजिए अपने आप। इसी का क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, इसी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 3rd भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd कहता है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो एपी का आपको यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट है आपका 3, 1 -3, सॉरी 3, 1 पहले -1 है, 3, 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो जाहिर सी बात है अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया आपका 3 और डी हो जाएगा आपका a2 -a1। a2 है आपका 1, -a1 है 3। तो 1 -3 -2, ये हो गया आपका आंसर। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है -5 -1 3 7। अब देखो ऊपर वाली सीक्वेंस में पहले प्लस के नंबर थे फिर माइनस के थे, इसमें पहले माइनस के हैं फिर प्लस के हैं। तो ए हो गया आपका -5 और डी हो गया a2 -a1, तो डी हो गया -1 -a1 है -5। डी हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 5, डी इज इक्वल्स टू 4। प्लस माइनस माइनस तो 5 -1 4 आपका आंसर। थर्ड पार्ट इसका फ्रैक्शन वाला है। तो थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 सो ऑन। तो डी निकालने का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। डी इज इक्वल्स टू a2 -a1, वही फॉर्मूला रहेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं,
डी इज इक्वल्स टू ए टू यानी कि 5/3 माइनस ए वन यानी कि 1/3, तो डी हो गया आपका 3 कॉमन अपॉन का 5 माइनस 1, तो डी आ गया 4/3, सिंपल। और फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो इसका ए कितना हो जाएगा, इस केस में हमने ए नहीं लिखा था, ए इज इक्वल टू 1/3, ए हो गया आपका 0.6 और डी हो गया आपका 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। अभी ऐसे क्वेश्चन कराया, एक पार्ट दिखा देता हूँ आपको करके, 2, 4, 8, 16। तो हमने क्या करना होता है, हमने करना होता है ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, और आंसर निकाल के चेक करना होता है कि ये जो हम टर्म्स निकाल रहे हैं क्या ये सारी टर्म्स इक्वल हैं। तो इस केस में ए टू यानी कि 4 माइनस ए वन यानी कि 2 इक्वल टू ए थ्री यानी कि 8 माइनस ए टू यानी कि 4 और ए फोर यानी कि लास्ट टर्म 16 माइनस ए थ्री सेकेंड लास्ट 8। चेक कर लेते हैं, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। जब ये इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे देयर फॉर 8 इज नॉट एन एट, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन डू इट बाय योरसेल्फ।